हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, आज है दिवाली, यानी कि बड़ी दिवाली जो होती है। तो सबसे पहले दिवाली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली के बाद आपकी जो भी मनोकामना है वो सब पूरी हो, ऐसे लक्ष्मी जी से मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। और अभी सुबह जो देवताओं का खाना बनता है, पूजा पाठ का जो खाना बनता है, वो बना लिया है। और आज जो मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ वो है शाम से शुरू कर रही हूँ। सुबह से मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं करा अभी। और अभी 5:30 बज गए हैं, तैयारी होगी शाम की पूजा की, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की। और तो उसी की तैयारी के लिए हैं अभी। डेली वेयर के हमने सूट पहने हुए हैं मैंने, और बच्चों ने भी वही कपड़े पहने हुए हैं। और यहाँ पे आराध्या है। हैप्पी दिवाली बोलो बेटा। हैप्पी दिवाली गाइस। और यहाँ पे भव्या है। भव्या हैप्पी दिवाली बोलो। हैप्पी दिवाली। तो यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं सुबह से। डेकोरेशन भव्या ने करी है और आराध्या ने बाहर के काम किए हुए हैं, तो और मैं घर के कर रही थी थोड़े से। तो हम सब ने काम करके थोड़ा सा अभी रेस्ट कर रहे हैं। लेट मार रहे हैं कह रही है। तो अभी हम थोड़ी देर में तैयार होंगे और तैयार होके पूजा करने के लिए जाएंगे। और मम्मी जी बना रही हैं रुई की बत्तियाँ, लंबी वाली जो होती हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग हो लेते हैं अब तैयार, फिर उसके बाद आपसे मिलेंगे पूजा के टाइम पे और दिखाएंगे कैसे कैसे पूजा की है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सुबह ये बनाया था खाना। आलू गोभी की सब्जी है, रायता है बूंदी का, दाल की कचौरी है, आलू मटर की सब्जी और खीर बनाई थी। तो यहाँ पे बस ये सुबह खाना बना के फिर उसके बाद किचन साफ़ कर दिया था मैंने। सो गाइस, मैं तैयार हो गई हूँ और ये है मेरा फाइनल लुक। आज मैंने सूट पहना है, मैंने साड़ी नहीं पहनी क्योंकि करवा चौथ पे और अभी पे साड़ी पहनी है। तो अब मुझे थोड़ा सा ना हल्का पहनने का महसूस हो रहा था कि जाकता कि मैं हल्का ये। तो ये देखिए, मैं इस तरीके से तैयार हो गई हूँ। और एक बार सबको एक बार फिर से हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फैमिली। अभी हम सब आ गए हैं तैयार होके लक्ष्मी जी और गणेश जी का आरती करने के लिए। और फ्रेंड्स, आपको साथ में सुनाई दे रहे होंगे पटाखों की आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद फ्रेंड्स, ये जो दिए होते हैं सरसों के तेल के जलाए जाते हैं, उनको मैं तैयार कर रही थी। और फिर इसके बाद मैं अपने पूरे घर में ये दिए लगाऊंगी। कोई भी कोना ऐसा नहीं रहना चाहिए घर का जो खाली हो। हर घर का जो कोना होता है वो इस दीपक से रोशन होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपने जो दिए मैंने तैयार करे थे मैं ले आई हूँ। और यहाँ पे मैंने गेट पे रखा है, दोनों गेट के साइड में रखे हैं दिए। और भी मैं फिर रख रही हूँ जहाँ पे पूरी दीवार है। तो यहाँ पे मैंने भगवान जी का दिया भी जलाया था, मैं आपको दिखा रही हूँ, जो हमारी डेली यूज़ की पूजा होती है वो भी करी है। और अब इन दियों को लेके जा रही हूँ मैं पीछे की साइड, मतलब लॉन में जहाँ पे हमारा वो है। तो फ्रेंड्स, पूजा जो होती है ना लक्ष्मी जी और गणेश जी की, उसमें घी का दीपक जलता है और बाकी सभी ये सरसों के तेल के दिए जलते हैं। तो जहाँ पे मेरा हाथ पहुँचता है वहाँ पे मैं लगा दूँगी, और जहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा है वहाँ पे आयुष लगाएंगे साथ में। तो मैं उनको कह रही थी कि मेरे साथ दिए लगाने चलो आपके डर से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भव्या बना रही है रंगोली। और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जो रंगोली कलर पहले से मैं नहीं लेकर आई, क्योंकि मैं बाज़ार जाने का थोड़ा आलकस कर गई थी। तो इसने बहुत अच्छे तरीके से फिर भी रंगोली बनाई है आटे की और हल्दी की। आप देखोगे ना तो आप यकीन नहीं करोगे कि आटे और हल्दी की रंगोली भी इतनी सुंदर बनाई है। इसको बहुत शौक़ है रंगोली बनाने का। तो पहली बार हुआ है, लेकिन नेक्स्ट टाइम इसको पहले ही रंगोली कलर ला के दे दूँगी। आई फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ अपने घर के बाहर का नज़ारा। घर घर में लड़ी लगी हुई है और इतना सुंदर रोशन हो रहा है ये गली हमारी। जैसे वो कहते हैं ना, जो एक गाना चल रहा है कि मेरे घर श्री राम आए हैं, तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। और ये देखिए,
रंगोली बनकर तैयार हो गई है। बस इतना ही कर पाए हैं, वेलकम लिखा है और लक्ष्मी जी के पैर बनाए हैं इसने, बहुत ही सुंदर बनाए हैं, मुझे बहुत अच्छे लग रहे। और भव्या भी यहाँ पे तैयार, देखो कितनी सुंदर लग रही है, जैसी रंगोली है वैसे खुद भी बहुत सुंदर लग रही है। तो ये देखिए आपको ये दिखा रही है अपना पूरा घर सजा हुआ, साथ ही अपनी हाथ की बनाई हुई रंगोली दिखा रही है। सो गाइस अभी ना आज क्या हुआ कि कलर नहीं ला पाई, रंगोली के जो कलर होते हैं वो नहीं ला पाए हम, और इसका मूड ऑफ हो गया। लेकिन इसने फिर भी ना आटे से और हल्दी से बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई है, जैसे कि इस पर बनी है बहुत सुंदर बनी है। और अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, मंदिर में दिए लगाने जा रही हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे भी जलाना ज़रूरी होता है। और ये भव्या अब तो ठीक है ना, मूड है ना, अब तो मूड ठीक है ना। हाँ तो अभी थोड़ी परेशान हुई थी, और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा घर किस तरीके से सजा हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। गाइस आपके यहाँ कैसी दिवाली मनाई जा रही है और कहाँ कहाँ से मना रहे हो तो कमेंट में बताना। तो फ्रेंड्स घर के पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ मंदिर में दिए लगाने के लिए, और मैं पहली बार आई हूँ, मुझे पता नहीं था कि मंदिर में इस तरीके से दिए लगाते हैं। तो मैं पहली बार आई और मुझे बड़ा अच्छा लगा, और इस तरीके से ना सबसे मिलना जुलना भी हो गया, सबको बधाई देना भी हो गया कि सबको दीपावली की शुभकामनाएं दे दी हैं मैंने। और यहाँ पर सभी लगाते हैं, मुझे नहीं पता था कि सभी आते हैं ऐसे, बहुत अच्छा लगा। तो मैं भी अपने घर से दिए ले गई थी घी के, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, आपकी मर्जी है आप 5-7 कितने भी लगाओ दिए, तो मैं 5 लेकर आई थी। ये देखिए और भी हैं जो आई हैं दिए लगाने के लिए। उसके बाद जो अपने घर के खील खिलौने मिठाई वगैरह जो भी होती हैं वो भी भगवान को चढ़ानी होती है, तो वो भी मैं ले गई थी यहाँ पे। एक मंदिर में जाके ना एक पॉजिटिव वाइब्स आती है कि बहुत अच्छा लगा, मंदिर के भी दर्शन हो गए हैं। और यहाँ पे मेरी और भी फ्रेंड्स मिल गई थी जो आई थी दिए लगाने, तो अच्छा है कि उनको भी मैंने साथ साथ विश कर दिया। उसके बाद मैंने सभी भगवानों के हाथ जोड़ के परिक्रमा लगाई, क्योंकि जब हम पूजा पाठ कर लेते हैं उसके बाद परिक्रमा लगाते हैं। और यहाँ पे पंडित जी से मैं प्रसाद ले रही हूँ, और भव्या कैमरा लिए हुई थी, फ़ोन लिए हुई थी, वो रिकॉर्डिंग करी थी। उसके बाद मैंने भव्या से कहा कि तुम भी हाथ जोड़ लो, तो फिर भव्या ने भी हाथ सभी भगवान के जोड़ लिए और प्रसाद खाती खाती आई है। ये देखिए यहाँ पे मैं इनकी वीडियो बना रही थी और ये मेरी वीडियो बना रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स सब अपनी अपनी वीडियो बनाने में बिजी हो रहे थे, और यहाँ पे ना सबसे ऊपर वाली छत पे भव्या, आराध्या और उनकी ताई
पटाखे छुड़ा रहे थे और नीचे से आयुष वीडियो बना रहे थे। तो सबको अपनी वीडियो बनाने में अच्छा लग रहा था। और ये देखिए हमारा घर कितना सुंदर सजा हुआ है, आप सबका घर भी बहुत सुंदर सजे होंगे। मतलब दिवाली पे हम जितनी भी सफाई करते हैं ना, उसके बाद जब दिवाली आती है और सारा घर और सारी गली इतना जगमग जगमग रोशन होती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। ये देख आप देख रहे होंगे ऊपर आराध्य फुलझड़ी कर रही है। ये लोग क्या है, आतंकवादी है ये? देख इधर देख, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो फर्श पे मारने वाले जो पटाखे होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको हम पटाखे जो होते हैं, तो वो ना फर्श पे मार मार के आज डरा रहे थे अम्मा को अपनी और दोनों बहनों को, परेशान कर रहे थे बहुत ज़्यादा। लेकिन भव्या को समझ में आ गया कि इससे कुछ नहीं होता, तो वो भी फिर फर्श पे पटाखे छुड़ा रही थी ऐसे ही। और इधर देखो मेरी तरफ भी मार रहे थे, मुझे भी डराने की कोशिश कर रहे थे, पर मैं डरी नहीं। तो ये देख लो कैसे मस्ती कर रहे हैं ये। और आराध्य तो बहुत ही ज़्यादा डरती है पटाखों से, सच में मतलब शौक इतना रखती है कि पटाखे लाओ पटाखे लाओ, जब पटाखे छुड़ाने की बारी आती है डरती बहुत है। तो चलिए फ्रेंड्स इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं नए ब्लॉग में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैप्पी दिवाली वंस अगेन।